हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था इंग्लिश के लेटर्स के बारे में, कर्सिव राइटिंग के बारे में और स्मॉल और कैपिटल लेटर्स के बारे में। तो आज के 12th डे की वीडियो में हम पढ़ेंगे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स यानी स्वर और व्यंजन के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबाएं, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल सके। तो आज हम शुरू करेंगे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो हमने स्मॉल और कैपिटल लेटर्स तो हमने पिछली वीडियो में सीख लिए, अब हम पढ़ेंगे जो लेटर्स हमने सीखे हैं उनके उच्चारण के बारे में, कि हमें किस तरीके से लेटर्स का यूज करके उच्चारण करना है और किस किस वर्ड में इन लेटर्स का कैसा उच्चारण आता है। तो अब शुरू करते हैं वोवेल्स के साथ। तो अंग्रेजी में 5 वोवेल्स होते हैं यानी 5 स्वर होते हैं, जो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, और बाकी के जो लेटर्स हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं बी, सी, डी, एफ, जी से लेकर जेड तक, ये सारे जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन होते हैं। तो अब अंग्रेजी में कई वोवेल तथा कॉन्सोनेंट का अकेले रूप में भिन्न उच्चारण होता है, और अगर उनको हम शब्दों में यूज करते हैं तो उनका उच्चारण जो है अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी एच एल एम एन पी, अगर जी को हम पढ़ेंगे तो ये हम पढ़ेंगे जी, लेकिन जब हम इसे वर्ड में लिखते हैं तो हम इसका प्रोनाउंस करते हैं ग। एच को हम पढ़ते हैं एच, लेकिन जब हम इसको वर्ड में यूज करेंगे तो हम इसको ह का उच्चारण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जी को तो हमने जी पढ़ा, लेकिन जब हम जी आई आर एल लिखते हैं तो हम इसे जर्ल नहीं पढ़ते, हम इसे गर्ल पढ़ते हैं। तो जी को तो हम जी बोलते हैं, लेकिन जब हमने इससे वर्ड बनाया, इससे जब हमने कोई शब्द बनाया, तो यहाँ इसका जो उच्चारण है वो ग हो गया, वो ज नहीं रहा। फिर अगला है एच, तो एच को तो हम एच पढ़ते हैं, लेकिन जब हमने कोई वर्ड बनाया जैसे हैट हो गया, तो इसको हमने बोला हैट, तो एच की जगह हमने ह का उच्चारण किया। तो इस तरीके से ऐसे ये वर्ड्स हैं, ऐसे लेटर्स हैं जिनका उच्चारण शब्द बनाने पे बदल जाता है। तो अब अंग्रेजी के वर्णमाला में जो जो उच्चारण होते हैं हम उसे यहाँ पे सीखेंगे उदाहरण के साथ। तो शुरुआत करते हैं ए से। तो ए हम कैसे कैसे यूज करते हैं, ए को हम आ के लिए भी यूज करते हैं, ए के लिए भी यूज करते हैं और ए के लिए भी यूज करते हैं। कैसे, जब हम सी ए आर कार लिखते हैं तो कार में ए का उच्चारण आता है आ, क्योंकि हम इसे केर या कैर नहीं बोलते, हम इसे कार बोलते हैं। तो ए का जो एक उच्चारण हो गया वो आ के रूप में आ गया। फिर अगर हम डब्ल्यू ए वाई लिखेंगे तो हम उसे बोलेंगे वे, तो यहाँ पे ए का उच्चारण ए के रूप में आ गया। फिर अगर हम एम ए एन लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं मैन, तो यहाँ पे ए का उच्चारण ए के रूप में आ गया। तो ए को हम आ भी उच्चारण करते हैं, ए भी उच्चारण करते हैं और ए भी उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट है बी, तो बी को हम ब की तरह यूज करते हैं, जैसे बुक, बॉय, बटन, बस। सी को हम यूज करते हैं क और स दोनों तरीके से, तो अगर हमने सी ए टी कैट लिखा है तो वो क का उच्चारण आ गया, और सी ई एन टी सेंट या सेंटर है तो वो स का उच्चारण आ गया। फिर डी का एक उच्चारण होता है जो कि ड होता है। ई का भी अलग अलग उच्चारण होता है, अगर एस एच ई है तो वहां पे शी का उच्चारण आया, और अगर एम ई एन है तो ए का उच्चारण आया। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग उच्चारण दिए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और यू का बता दूं, यू के भी दो अलग अलग उच्चारण होते हैं, जैसे यू पी है तो हम अप या कप करेंगे तो अ का उच्चारण आएगा, और एस एल यू टी जैसे सैल्यूट है तो यहाँ पे उ का उच्चारण आया। तो इस तरीके से अलग अलग लेटर्स के 2-3 अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं। ये जो आपको टेबल यहाँ पे दी गई है, इसे आप ध्यान से पढ़िए और इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत काम में आएगा। अब अंग्रेजी के संयुक्त अक्षर, तो सी एच च, टी एच थ, ठ, पी एच फ, एस एच श, जी एच ग, जी एच के पूर्व दीर्घ स्वर हो तो जी एच का उच्चारण मूक होता है, जैसे राइट, अन्यथा ग होता है, जैसे घोस्ट। कभी कभी जी एच का फ का उच्चारण भी होता है, जैसे रफ। तो यहाँ पे संयुक्त अक्षर का मतलब क्या होता है, कि दो अक्षरों को मिला के जो उच्चारण निकलता है उसे संयुक्त अक्षर बोलते हैं। जैसे सी एच है तो सी एच मिला करके उच्चारण निकलता है च। फॉर एग्जाम्पल जब हम लिखते हैं सी एच ए आई आर, तो इसको हम केयर या सेयर नहीं बोलते, हम इसे चेयर बोलते हैं, क्योंकि सी एच का उच्चारण होता है च।
वैसे टी एच का उच्चारण होता है थ या थ, जैसे टी एच आई एन होता है थिन, तो यहाँ पे थ का उच्चारण निकला। तो ये अलग अलग वर्ड्स के दिए हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा संयुक्त अक्षर है जो है जी एच, जिसके अलग अलग उच्चारण होते हैं। जैसे अगर जी एच के पहले कोई दीर्घ वोवेल है, यानी आई है अगर या ई है अगर, तो उसका उच्चारण साइलेंट होता है, यानी फिर हम जी एच को उच्चारण में नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया आपको राइट, तो यहाँ पे हमने आर आई जी एच टी में जी एच साइलेंट हो गया, हमने बोला राइट, हमने राइट नहीं बोला। फिर अगर ऐसे नॉर्मली हम जी एच का यूज करते हैं, जहाँ पे जी एच शुरू में आता है, तो उसका एग्जाम्पल ग के यूज में होता है, जैसे घोस्ट। और कभी कभी जी एच का उच्चारण फ का भी होता है, जैसे आर ओ यू जी एच हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण आता है रफ, यानी फ का उच्चारण। तो इस तरीके से अलग अलग अक्षरों का अलग अलग उच्चारण होता है। ये आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे पता चलेगा कि आपको किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। अब बड़े और छोटे अक्षरों का प्रयोग हम सीखेंगे। अंग्रेजी की वाक्य रचना में छोटे यानी स्मॉल और बड़े दोनों अक्षरों का प्रयोग होता है। बड़े वर्णों का प्रयोग निम्न स्थानों पर होता है। तो अब बड़े वर्ण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम वाक्य की शुरुआत करते हैं तो जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे दिस इज अ बॉक्स का टी यहाँ पे बड़ा है, कैपिटल है। व्हेन डिड यू कम का डब्ल्यू यहाँ पे बड़ा है। फिर कहाँ यूज होता है, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का पहला अक्षर, यानी अगर किसी का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे द गेंजेस है, ये गंगा नदी का नाम है, तो इसको हम स्मॉल जी से नहीं लिखेंगे, हमेशा कैपिटल जी होगा। ताजमहल है, तो ताजमहल हमेशा टी कैपिटल होगा, कभी भी टी स्मॉल नहीं होगा। फिर अंग्रेजी कविता की हर एक चरण का प्रथम अक्षर, तो जब हम इंग्लिश में जब हम कविता लिखते हैं, पोयम लिखते हैं, तो यहाँ पे चरण को इंग्लिश में स्टैंजा बोलते हैं। तो हर स्टैंजा के हर लाइन का जो पहला अक्षर है वो इंग्लिश के फर्स्ट लेटर से शुरू होता है। फिर हम यूज करते हैं कहाँ, संक्षिप्त शब्द के लिए, जैसे पीटीओ प्लीज, टर्न ओवर एनबी, आईसीयू। तो इस तरीके से जब हम शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रिविएशंस या संक्षिप्त शब्द यूज करते हैं तो हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। फिर आता है महीने व सप्ताह के दिनों के नाम का पहला अक्षर, तो महीनों का नाम होता है उसका पहला अक्षर भी कैपिटल होता है, या सप्ताह जैसे संडे मंडे ट्यूजडे है तो इसका पहला अक्षर भी हमेशा कैपिटल लेटर होगा। फिर है मनुष्य की उपाधि के प्रथम अक्षर, तो अब आपको जो उपाधि मिली, जैसे हमने डॉक्टरी की तो डॉक्टर उसमें डी कैपिटल होगा, अगर आपने एमबीबीएस किया है तो एमबीबीएस का एम कैपिटल होगा, एमकॉम है तो एम कैपिटल होगा, बीएड है तो बी कैपिटल होगा, बीएससी है तो बी कैपिटल होगा, बीटेक है तो बी कैपिटल होगा। तो ये जो भी उपाधि होती है सबके जो पहले अक्षर होता है वो कैपिटल होता है, या अगर शॉर्ट फॉर्म है बीए जैसे है तो बी और ए दोनों ही कैपिटल होगा। फिर है ईश्वर के नाम तथा उनके लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम के पहले अक्षर, तो अब ईश्वर यानी गॉड के लिए हम गॉड लिखते हैं, लॉर्ड लिखते हैं, हिज मैजेस्टी, तो हिज का एच कैपिटल, या अगर हम भगवान के लिए ही का यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा ही का जो एच है वो कैपिटल होगा। अंग्रेजी में मैं के लिए, तो हम जब भी इंग्लिश में सेंटेंस में आई यूज करते हैं मैं के लिए, तो हमेशा आई कैपिटल होता है, चाहे वो आई वाक्य के शुरुआत में आता है या वाक्य के अंत में आता है या वाक्य के बीच में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे आई एम अ गर्ल, तो अब आई क्योंकि इस सेंटेंस का पहला अक्षर है, पहला वर्ड है, तो आई तो कैपिटल होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे आई बीच में आता है, जैसे हाउ कैन आई फॉरगेट, तो यहाँ पे भी आई हमेशा कैपिटल होगा। तो जब आप मैं के लिए आई का यूज करते हैं तो आई सेंटेंस में कहीं भी आए, किसी भी जगह आए, वो हमेशा कैपिटल ही लिया जाएगा। पत्र शुरू करते समय संबोधन का तथा समापन वाक्यांश यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज का पहला अक्षर, जैसे जब हम पत्र लिखते हैं तो हम शुरुआत करते हैं डियर कविता या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, तो हमेशा डियर का डी, रिस्पेक्टेड का आर कैपिटल होगा। और जब हम पत्र को एंड करते हैं इंग्लिश में तो हम लिखते हैं योर सिंसियरली, या फिर योर्स फेथफुली, या योर्स अफेक्शनेटली, तो उसमें भी जो पहला वर्ड है जैसे योर सिंसियरली का जो वाई है ये कैपिटल होगा। फिर आता है कोटेशन मार्क के अंदर का वाक्य शुरू करते समय वाक्य का पहला अक्षर, तो जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप जानकारी के लिए समझ लीजिए। इस तरीके के वाक्य जहाँ पे हम कुछ बयान करते हैं, जैसे ही सेड डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी द डेट ऑफ योर इंटरव्यू, तो यहाँ पे उसने कहा कि मुझे अपने इंटरव्यू के बारे में बताना,
मत भूलना। तो ये जो कोटेशन मार्क हमने लगाया, इसके अंदर जो सेंटेंस होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है, यानी यहाँ पे डी जो है वो हमेशा कैपिटल होगा, कभी भी यहाँ पे डी स्मॉल नहीं होगा। तो कोटेशन के अंदर जो भी अक्षर हो, जो भी वर्ड हो, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। क के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में सी के क्यू वर्ण आते हैं, कहीं कहीं क के लिए सी के भी आता है, सी का स भी उच्चारण होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश की जो वर्णमाला है वो कुछ ऐसी है कि हर एक वर्ड का अलग अलग उच्चारण होता है और एक वर्ड का अलग अलग उच्चारण भी हो सकता है। तो जैसे अगर हमें क के लिए कोई लेटर लिखना है तो हम सी को भी क के उच्चारण के लिए यूज करते हैं, क को भी हम क के उच्चारण के लिए यूज करते हैं और क्यू को भी करते हैं। तो जब हमने क्यू यू डबल ई एन क्वीन लिखा तो भी हमने क्वीन बोले, यानी क का उच्चारण आया। फिर हमने के आई टी काइट लिखा तो उसमें भी क का उच्चारण आया, जैसे काइट। फिर हमने सी ए टी कैट लिखा तो उसमें भी सी का उच्चारण कैट यानी क का आया। तो सी जो है वो क के लिए भी यूज होता है और स के उच्चारण के लिए भी होता है। फिर क के लिए हम सी भी यूज करते हैं, के और क्यू भी यूज करते हैं। ग के लिए बहुधा जी आता है, जैसे गुड। ज के लिए जे यानी जैम, पर कई बार ज के लिए जी भी आता है, जैसे जर्म और जर्मिनेशन। तो ग के लिए हम जी यूज करते हैं और हम ज के लिए जे यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम ज के लिए जे के साथ साथ जी का भी यूज करते हैं, जैसे जर्म हो गया, जर्मिनेशन हो गया, जेंडर हो गया, जेंटलमैन हो गया। तो यहाँ पे जी का यूज ज के लिए भी होता है और ग के लिए भी होता है। व के लिए अंग्रेजी में वी और डब्ल्यू प्रयुक्त होते हैं, जैसे वेरी और वॉल। व के उच्चारण के लिए हम वी का भी यूज करते हैं और डब्ल्यू का, दोनों का यूज कर सकते हैं। फिर फ के लिए एफ प्रयोग में आता है और पी एच भी अंग्रेजी में फ के लिए प्रयोग होता है। तो फ के लिए जो है अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, जैसे एफ भी यूज किया जाता है और पी एच भी यूज किया जाता है। तो अगर एफ का एग्जाम्पल है तो फैन, तो फैन यहाँ पे हमने एफ यूज किया फ के लिए। फिर अगर हम लिखते हैं फोन, पी एच ओ एन ई, तो ये भी फ का ही उच्चारण आता है। फोन को हम एफ ओ एन ई फोन नहीं लिखते हैं, पी एच ओ एन ई फोन ही लिखते हैं, लेकिन इसका उच्चारण जो है वो फ का आता है। फिर फिलोसफी पर अंग्रेजी में उच्चारण हमेशा फ नहीं फ होता है, तो यहाँ पे ये उर्दू का वर्ड हो जाता है। फ के नीचे जब हम बिंदी लगाते हैं तो ये उर्दू का उच्चारण आता है, तो हम इसको यूज करते हैं, जैसे फिलोसफी। तो यहाँ पे एक और आपको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है, जैसे क्यू के साथ सदा यू लगता है, जैसे क्विक या चेक। तो क्यू के साथ हमेशा यू यूज किया जाता है, क्यू कभी भी इंडिपेंडेंटली या अकेले यूज नहीं किया जाता है। जैसे क्वीन भी है तो क्यू के साथ क्यू यू डबल ई एन क्वीन लगा, क्विट है तो क्यू यू आई टी क्विट हो गया। तो क्यू हमेशा यू के साथ ही यूज किया जाता है, क्यू कभी भी अकेले यूज नहीं होता। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है, और आज हमने इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो कवर किया है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स जो है वो इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसके ऊपर ही इंग्लिश के जितने भी प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस पे ही टिके होते हैं। तो इस वीडियो को आप हमेशा ध्यान में रखें और इसे दोहराते रहें, वोवेल्स को ध्यान में रखें, कॉन्सोनेंट्स को ध्यान में रखें, और इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको उच्चारण बताए हैं, जैसे फ के, ग के, च के, ये सारे उच्चारण भी आप ध्यान में रखें, तो आपको इंग्लिश के वर्ड पढ़ने में कभी भी मुश्किल नहीं होगी। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।